हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं अर्ली मॉर्निंग एंड बोल सकते हो आप डॉन में एक काली माँ के मैसेजेस लेके आया हूं। कितना अच्छा एनर्जी है, कितना अच्छा वीक होगा एंड आई एम मैनिफेस्टिंग राइट नाउ अ ब्यूटिफुल ब्राइट वीक इज कमिंग। सो इस टाइम पे हम देख लेंगे काली माँ आपको इस समय में क्या मैसेजेस दे रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। सो ये काली माँ के मैसेजेस आप एज अ ब्राइट चेंज बोल सकते हो, आपके नेक्स्ट ब्लेसिंग्स बोल सकते हो एंड एट द सेम टाइम इस पूरे वीक का थीम भी बोल सकते हो। लेट्स जस्ट सी कि इस टाइम पे काली माँ आप लोगों को किस तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कौन सा पर्टिकुलर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उन काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मत्मकते देवी नारायणी नमस्ते। ओके फर्स्ट ब्लेसिंग ब्लेसिंग्स आ गया है धर्मा ऑफ काली का। सो यू नो धर्मा ऑफ काली आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि देखिए इस वीक में ना आप कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा चीज़ करना आपके लिए सही होगा, ये सब मत सोचिए। सोसाइटी का नॉर्म्स जो है वो आपको एक प्रॉपर आइडियल पर्सन बना देंगे, बट आपके खुद के जो नॉर्म्स है वो आपको एक आपके लिए जो सुख सुविधा है, आपके लिए जो चीज़ बना है उस चीज़ के करीब आपको लेके जाएंगे। नाउ द धर्मा ऑफ काली मीन्स आपका धर्मा क्या है, ये जो मैन मेड सोसाइटी में धर्मा है क्या ये आपके लिए एप्लीकेबल होता है कि पर्टिकुलर कोई थीम अप्लाई करके माँ का पूजा करो या फिर माँ का पूजा मत करो, उस देवी का पूजा करो, उस देवी का मत पूजा करो, ये फूल चढ़ाओ वो फूल मत चढ़ाओ, इसको चढ़ाओ उसको चढ़ाओ, उस जगह पे जाओ, क्या ये सब सारे एप्लीकेबल है। एट द सेम टाइम ये काम करिए वो काम करिए, सो जो जो चीज़ यहाँ पे सोसाइटी में बोला जाता है पॉपुलर है क्या वो सब चीज़ के साथ आपका सोल पर्पस जुड़ा हुआ है। काइंड ऑफ आपको माँ यही चीज़ बोल रहे हैं कि आप क्यों ये दूसरों की बातें पे आ रहे हो, क्यों आप ये सब रॉन्ग मेथड को फॉलो कर रहे हो। आपका खुद का मेथड है एकदम ओरिजिनल, एकदम ऑथेंटिक और आप अपने खुद के मेथड के ऊपर फोकस कीजिए। आपको दरकार नहीं है कि दूसरे पर्सन किस तरीके से क्या करें। साफ बात है कि अगर आप हीलिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज़ फोकस ऑन योर ओन टर्म्स, प्लीज़ फोकस ऑन योर ओन रिलीजन, प्लीज़ फोकस ऑन योर ओन सोल धर्मा। ना ही आप कौन से सोसाइटी मेड रिलीजन में हों या फिर इस इस एक्सटर्नल वर्ल्ड के कौन से रिलीजन में आप फिट हो, ये सब मत सोचिए। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर तांत्रिक शक्ति भी है, जिसके अंदर इंट्यूटिव नॉलेज भी है एंड जिसके अंदर महाकाली की कृपा भी है। सो इसको माँ यही चीज़ बोल रहे कि सब कुछ जो चीज़ आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी उसके इशारे पे हो रहे, आपके लाइफ में जो सॉल्यूशंस आएंगे वो भी वो लेके आएंगे, बट माँ जो सिखाना चाहते हैं कि ये सब चीज़ों से बाहर आइए, माँ को एक्सेप्ट कीजिए। माँ आपको कभी दंड नहीं देंगी, माँ आपको कभी पाप नहीं देगी, माँ आपको एक्सेप्ट करने के लिए बैठी है, माँ आपको बैड कर्मा से बाहर निकलने के लिए बैठी है। सो कहीं ना कहीं उसको पता कीजिए, उसके बाहर के रूप को मत देखिए, उसके अंदर के रूप को देखिए। सेकेंडली मान लीजिए कि सही गलत का फैसला, वेल सही गलत का फैसला एट फर्स्ट ये सब करने में आपको मतलब ये सब करना ज़रूरी होता है, जैसे कि सुबह उठना, पूजा करना, प्रॉपर टाइम मेंटेन करना, ये सब अर्ली स्पिरिचुअल स्टेज में है। बट अभी आप एक एडवांस पर्सन में बदल जा रहे हो और इस एडवांसमेंट में दो तीन चीज़ आपको छोड़ना है। वो है कि अगर मान लो आप एक पपेट की तरह कोई चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, रिचुअल्स को, उसके मीनिंग समझ नहीं पा रहे हो, सो इमीडिएटली उसको स्टॉप करिए। सेकेंडली अगर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा रिचुअल पे जा रहा है, जैसे कि फूल चढ़ाना, जैसे कि मंत्रा, तो वहाँ पे आपको इमीडिएटली स्टॉप करके आप कंसंट्रेशन पावर के ऊपर देखिए। एक घंटा दो घंटा पूजा करने से कुछ नहीं होता है, बट अगर आप दो तीन मिनट भी एकदम सटीक कंसंट्रेशन के साथ बैठ के पूजा करेंगे तो आपका नेगेटिविटी हील हो जाएगा। बेसिकली एक्सटर्नल बातों से माँ आपको बोल रहे कि उतना ज़्यादा पूजा करने के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट बात मत सोचिए, जो चीज़ के लिए आप बने उसके लिए सोचिए, आप कभी निराश नहीं होंगे। ओके थर्ड और एक लास्ट बात, धर्मा ऑफ काली, हम सब का एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमेज होता है, सबके अंदर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी मिलके रहता है, तो एक बैलेंस लेके आइए। बहुत ज़्यादा काइंड भी आपको होना नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी आपको होना नहीं है, काइंड ऑफ
जो पर्सन को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके बात कर रहे थे थोड़ा सा इजी हो जाइए, जो पर्सन को आप बहुत ज़्यादा काइंड होके बात कर रहे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए। यहाँ पे एक रिमाइंडर है, लेट्स सी और क्या मैसेजेस माँ आपको दे रहे हैं। वाओ दक्षिणा, नहीं ये कार्ड जब भी आता है मेरे मुंह से वाओ निकलता है, क्योंकि दक्षिणा माँ मतलब दक्षिणा माँ काली का मतलब क्या है कि दक्षिणा मिलने वाला है। क्या है दक्षिणा? आप जो प्रेयर कर रहे हो उसका रिवॉर्ड। बाकी में रिवॉर्ड और पनिशमेंट हम दोनों को मतलब मेरे को और आपको ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? कृपा चाहिए। नो कृपा के लिए क्या करना होगा? आपको भी कुछ बलिदान देना होगा। कौन सा बलिदान आप दे सकते हो माँ को? ऑब्वियसली कुछ भी ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ आप नहीं देख सकते उनको। सो आपके क्रोध काम एंड लोभ को आपने बलिदान दे रहे हो और उसके बदले में माँ को कुछ रिवॉर्ड्स देंगे। नो ये रिवॉर्ड्स ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जो चाह रहे हो वो, ऐसा है कि आपके लिए जो ज़रूरी है वो माँ देंगे। बेसिकली इन शॉर्ट आपको प्रोटेक्ट करेंगे माँ। जो चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हो इस वीक में, जो भी इंपॉर्टेंट टास्क आएंगे इस वीक में, तो उसमें आप सक्सेसफुली आगे बढ़ जाओगे। सेकेंडली दक्षिणा माँ हमेशा आपको अपने फियर्स से अलग करके आगे बढ़ाते हैं। सो जो भी फियर्स हैं, जो भी डर है आपके मन में, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा कम कर रहा था और वो आपको अंडर एस्टिमेट भी कर रहा था। सो कहीं ना कहीं माँ आपके डर से आपको पीछा छुड़ा रहा है। एंड यू नो माँ आपको एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपको डरने का ज़रूरत नहीं होगा, जहाँ पे आप आगे लेके जा रहे हो एंड खुद को आगे लेके जा रहे हो, अपने टीम को आगे लेके जा रहे हो, अपने परिवार को आगे लेके जा रहे हो। सो डेफिनेटली अगर आप एक मैनेजरियल पोस्ट की जॉब ढूंढ रहे हो, आईटी रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हो जहाँ पे टीम हैंडलिंग का बात है, एक एरिया रिलेटेड एरिया के मैनेजर रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा। सेकेंडली स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल ज्ञान, स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो माँ आपको मदद करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। आने वाले वीक में आप देखोगे मिरेक्युलस अपॉर्चुनिटी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस ख़त्म एंड एट द सेम टाइम दक्षिणा मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको माँ दे देंगे। इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो उस चीज़ को आपको मिल जाएगा। लास्ट कार्ड देख लेते हैं इस छोटू सा रीडिंग का। माँ आने वाले वीक के लिए मेरे व्यूअर्स की इमीडिएट फ्यूचर के लिए क्या मैसेज? वाओ कुरकुल्ला, यू नो इस वीक में ही या फिर आज से कुछ चीज़ को फास्ट करनी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जल्दी जल्दी काम को कंप्लीट करना, जल्दी जल्दी सो जाना। कुरकुल्ला माँ आपको यही बोल रहे थे, बी प्रिपेयर, बहुत जगह पे जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, लास्ट मिनट प्लान चेंज हो सकते हैं, सो बी प्रिपेयर। एंड एट द सेम टाइम कुरकुल्ला माँ मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन ले रहे हो। सो आने वाले वीक में आप जो जो काम करने के लिए सोच रहे हो, जो जो सिलेबस कम्प्लीट करने के लिए सोच रहे हो, जो जो मीटिंग्स है, जो जो चीज़ें पेंडिंग है, उस पूरे पेंडिंग काम को आप पूरा करेंगे। साथ ही साथ कुरकुल्ला माँ ये भी बोल रहे हैं कि पुराने दोस्तों के साथ आपको यू नो मुलाकात हो जाएंगे, अचानक कोई सोलमेट आ सकते हैं। कुरकुल्ला माँ आपको प्रिपेयर करते हैं अपने आने वाले लाइफ के लिए। बहुत जल्दी रिश्ता फिक्स हो सकता है, एडमिशन्स हो सकते हैं बाहर के कॉलेज, विदेश जाने के लिए अचानक एक योग आ सकता है। साथ ही साथ कुरकुल्ला माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि जो चीज़ के लिए आप इतने मंथ से वेट कर रहे हो वो चीज़ इस वीक में आ सकता है। सो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि क्विक गेन, क्विक रिकवरी, किसी की तबीयत बहुत ख़राब था तो बहुत जल्दी इस वीक में आप लोग अच्छे एकदम स्पीडी रिकवरी को महसूस कर सकते हो। एंड सेकेंडली कुरकुल्ला माँ और भी एक चीज़ बोल देते हैं कि यू नो ये जो लाइफ है, इसका जो फ्लो है, लाइफ फ्लो, लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स, ये सारी चीज़ बढ़ने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि फोकस ऑन योर गोल, करते रहो, बी डिटरमाइंड, करते रहो, अपने पैशंस को फॉलो करते रहो, चाहे उसके लिए मिडनाइट तक आपको जगना पड़े या फिर सुबह उठना पड़े। सो कीप डूइंग योर गुड वर्क, यू विल गेट वट एवर यू आर मेंट टू गेट। सो यहाँ पे जल्दी वायरल भी आप हो सकते हो, जल्दी फेम भी मिल सकता है, बहुत जल्दी एक रेनाउंड कंपनी पे आपका जॉब लग सकता है। ना कुरकुल्ला माँ आपको हमेशा सदा प्रिपेयर रखते हैं। सो आने वाले सिचुएशंस, आने वाले वीक में आप प्रिपेयर रह रहे हो। ऐसे नहीं कि आपको कोई आके आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत पे डाल के चले जाएंगे। नो इस वीक में मैं देख रहा हूँ कि आप अपने बलबूते पे एक
एक नतीजे पे पहुंच रहे हो, एक डिसीशंस ले रहे हो, और कुरुकुलमा उस डिसीशंस लेने में आपको मदद करे। सेकेंडली कुरुकुलमा आपको प्रिपेयर करे कुछ एग्जाम्स के लिए, एंड लास्ट कुरुकुलमा आपको बोल रहे कि आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि माँ आपको प्रिपेयर ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आने वाले टाइम पे आप सोचो मत, सोचो कम, ज़्यादा काम करिए, एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट करिए बिना कुछ प्रोकेस्टिनेट करके, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रोकेस्टिनेट कर रहे थे लास्ट वीक में कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सिंपली फॉलो योर पैशन, दैट्स इट। और इसी के साथ इस छोटू सा अर्ली मॉर्निंग रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग को मैं हर रोज़ लेके आ पाऊँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। एंड महाकाली का यही मैसेज था, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, बंद किया हूँ परमानेंटली, और मेरा कोई भी पर्सनल नंबर नहीं है और ना ही मैं किसी ऐप और वेबसाइट में अवेलेबल हूँ प्राइवेट रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मल्टीपल वीडियोस में अपलोड करता हूँ, कभी कभी तो 4-5 वीडियोस भी। तो हर वीडियोस होता है इंट्यूटिव, हर वीडियोस होता है सेल्फलेस, एंड हर वीडियोस में मैं प्रे करता हूँ। सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, अगर अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अदरवाइज कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ कुरुकुल्ला या फिर जय माँ काली। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनीबन। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली, जय माँ मातंगी, सब खुश रहे, अच्छे रहे, हैव अ ग्रेट संडे, बाय बाय। टाइमलेस वीडियो है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा।